भाइयों सब्सक्राइब कर दियो यार किसान योद्धा को। राम राम किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आपका किसान योद्धा चैनल में। तो किसान भाइयों, आज मैं आया हूँ ग्राम मसूरी में, जहाँ पे किसान भाई ने बेहद ही खूबसूरत तरीके से मकान बना रखा है। और जो किसान भाई हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। ये देखो भाइयों, यहाँ पे ट्रैक्टर भी इनके पास, बहुत पुराने जमाने का। ये दिखा दूँ मैं आपको, आशर का ट्रैक्टर इनके पास और काफ़ी पुराना ट्रैक्टर है। अंकल जी, कितना पुराना ट्रैक्टर होगा ये तकरीबन? फिर भी कितना, कौन सा मॉडल है जी ये? होगा 70 मॉडल। अच्छा, देखो भाइयों कभी बहुत ही पुराना ट्रैक्टर है, कभी कभी चलक रहा था उस टाइम पे। अरे चला स्टार्ट वगैरह हो जाए हो? अच्छा, सेल्फ करवा दिया। बड़े काम करा खेती वगैरह में? हाँ, सारे काम। अच्छा अच्छा, इससे बढ़िया ट्रैक्टर ही ना। अच्छा, ओरिजिनल कलर करवाया कंपनी भेज के। अच्छा अच्छा, शुरू में कलर आया था यही कलर था। अच्छा, शुरू का यही कलर है, आज तक चेंज नहीं कराया बिल्कुल भी? नहीं, शुरू में यही कलर आया था। अच्छा अच्छा, बीच में कलर उतर गया, चेंज कलर कहाँ चलेगा। हाँ जी हाँ जी, कंपनी भेज के वही ओरिजिनल कलर कराया। जोगी तो बिल्कुल। अच्छा अच्छा, कलर तो ये आपका ही ट्रैक्टर है ना? इनका है। अच्छा अच्छा, ये देखो भाइयों, बहुत ही पुराना ट्रैक्टर है और स्टार्ट वगैरह हो जाता है, सेल वगैरह लगवा दिया अब इसमें, और मैं बात भी कराऊंगा। ये देखो भाइयों, अब फिलहाल मैं एक आपको मकान दिखा दूं। आ जाओ अंकल जी, आप भी आ जाओ। ये देखो भाइयों, यहाँ पे कृषि यंत्र है इनके, और थोड़ा सा इधर दिखा दूँ मैं। अंकल जी कहाँ गए फिलहाल? ये देखो भाइयों, ये देखो भाइयों, कितने अच्छे तरीके से मकान बना रखा है। तो अंकल नक्शे से बना रखा है बिल्कुल, या अपने दिमाग से? अच्छा, अपने दिमाग से बना रखा। ये देखो भाइयों, तो किन का मकान है जी, क्या नाम है बब्बा जी का? ये अनार सिंह के बेटे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, अनार सिंह जी के बेटे। ये देखो भाइयों, कोमल सिंह जी का मकान है, और इतना आलीशान मकान बना रखा बिल्कुल गांव देहात में। ये देखो भाइयों, शहर की टक्कर का मकान है, और पूरे गाँव में इसकी टक्कर का मकान दूर दूर तक नहीं है। देखो भाइयों, इधर देखो पेड़ पौधे, और इधर देखो कृषि यंत्र हो गए, और बब्बा जी मेरे साथ चलेंगे। बब्बा जी, गाय वगैरह कौन सी नस्ल की? सही वाल दूध वगैरह दे जाए। अच्छा अच्छा, एक दिन लीटर दूध दे जाए बब्बा जी, सही वाल नस्ल की? अच्छा अच्छा, देखो भाई गाय है सहवाई नस्ल की, सहवाल नस्ल की 10-12 लीटर दूध देती है तकरीबन। और देखो खो रहे हैं भाई, यो दिखे बैल बच्चा बच्ची बच्ची। ये देखो भाई, और मैं आपको दिखा दूँ, ये देखो ये मकान है जो कि बेहद खूबसूरत तरीके से किसान भाई ने गांव देहात में बना। कौन सा मॉडल है जी? मॉडल वही बताते हैं, पर ये जो है बाहर जाते हैं विदेश, इंडिया में देते नहीं। अच्छा, ये कंपनी से डायरेक्ट संबंध है, इसलिए ये दूसरा ट्रैक्टर है भारत में। अच्छा, दूसरा ट्रैक्टर है इस मॉडल का। अच्छा अच्छा, तो भागता भी तेज होगा जी? हाँ। अच्छा अच्छा, सबसे ये देखो भाई, अंकल जी बता दिया हमें देते नहीं इसको, और ये मतलब कंपनी के थ्रू लेना पड़ता है ना। ये देखो भाई, 7250DI मैसी, अच्छा अच्छा, सारा मकान कवर करके दिखाऊंगा। ये देखो ना ट्रैक्टर है, और इतना आलीशान ट्रैक्टर है भाई, बहुत ही तगड़ा ट्रैक्टर है। ये देखो, तो इन्होंने मंगवाया था कंपनी से ऑर्डर करवा के। अच्छा अच्छा, देखो ये ट्रैक्टर हो रहा भाइयो, दो दो तीन तीन ट्रैक्टर है घर में। ये देखो भाई, चार ट्रैक्टर जी, और चौथा कहाँ खड़ा? अच्छा अच्छा, वो छोटा छोटा ट्रैक्टर होगा। अच्छा अच्छा, वो खेत वगैरह पे गया होगा। ये देखो भाई, इसके कृषि यंत्र दिखाऊं मैं। देखो मंजा है, ये तो मंजा है ट्रैक्टर का, ये देख सकते हैं आप सभी। और देखो कितनी तो कृषि यंत्र रखे हैं। ये देखो भाई, तो ऊपर तो कम्प्लीट हो गया बब्बा जी मकान है। अच्छा अच्छा, देखो बब्बा जी मेरी गैल, बब्बा जी क्या चीज़ होती है, क्या बोलते हैं उसको? अच्छा बोने वाला, अच्छा गेहूँ की मशीन है बोने की। देखो भाई, सारी चीज़ दिखाऊंगा, हर चीज़ बारीकी से दिखाना चाहता हूँ मेरे किसान भाई को, जो आज तक कोई नहीं दिखाता। एक बुलेट भी खड़ी है बाबू जी, बुलेट तो बहुत पुराने जमाने की लग रही है। हैं, स्टार्ट वगैरह हो जाए? ये देखो भाई, ये बुलेट भी है, और ये देख सकते भाई इधर से मैं दिखा दूँ। अभी काम चल रहा फिलहाल मकान में, अभी कम्प्लीट नहीं हुआ। जब पहले भी आया था मैं, तब भी ये अनकम्प्लीट ही था। और एक ट्रैक्टर ये रहा, देखो ये रूटर वेटर है भाई, कितना बड़ा रूटर वेटर है। और इधर से मैं दिखा दूँ, ये क्या चीज़ होती है? अच्छा, जुताई करने का है। देखो भाइयों, पलटा बोल रहे हैं बब्बा जी से। ये देखो ये क्या चीज़ वो, ये देखो। अच्छा, कैसे काम करता है जी? नीचे लग जाता है जमीन में? हाँ, खेत की तकड़ी कर देता होगा बिल्कुल बढ़िया तरीके से। ये है इंडिया में।
अच्छा दूसरा ट्रैक्टर है इंडिया का, इंडिया का। हाँ ये देखो भाई विदेश में आता है ट्रैक्टर। अच्छा विदेश में आता है ट्रैक्टर, ये ट्रैक्टर यहाँ देते नहीं। अच्छा देते नहीं है, फिर उन्होंने कहाँ से मंगाया जी? एक कंपनी से डायरेक्ट संबंध है। अच्छा कंपनी से मंगवाया था नहीं, कंपनी से। अच्छा और किसी को देते नहीं वैसे ये? देखो भाइयों 9500 में है भाइयों, 9500 DI में मैसी का ट्रैक्टर है। सही कह रहे हैं, ये ट्रैक्टर जल्दी से मिलता भी नहीं है। और ट्रैक्टर कागज की हिसाब दिखा दूँ मैं, ये देखो भाइयों। अच्छा अच्छा ये देखो भाइयों कितना ऊंचा ट्रैक्टर है, और ट्रैक्टर का बहुत हो गया जी है अंकिल। ये देखो भाई ट्रैक्टर इतने तो बहुत बड़े टायर है इसके तो, देखो भाइयों कितना बड़ा टायर है अगला गल्ला ही। और पिछला देखो भाई, पिछला तो इससे भी बड़ा टायर है, ये देख सकते हैं आप सभी, दमदार ट्रैक्टर है, दिखा दूँ देखो। तो ये कब लिया होगा जी बब्बा जी? 2 साल हो गए इस ट्रैक्टर को। अच्छा अच्छा ये देखो भाई, ये ट्रैक्टर तो मैंने आपको दिखाया, कितना तकड़ा ट्रैक्टर है भाई, देखने से लग रहा है शेर खड़ा हो बिल्कुल। अच्छा अच्छा ये देखो भाइयों, ऊपर से मैं दिखा दूँ, ये मकान है और अब मैं जा रहा हूँ मकान के ऊपर, एक भैया मेरे गैल में है और यहाँ पे एक काम कर रहे हैं रंग का। ये देखो भाइयों कितना बढ़िया जिन्ने बना रखा बिल्कुल, और जिन्ने में ऊपर छत में डिजाइन है बिल्कुल। और देखो भाइयों इधर भी डिजाइन वगैरह है, और ऑलमोस्ट आ चुका हूँ मैं ऊपर, ये देखो भाइयों। अच्छा सारे कंप्लीट हो गए, ऊपर रंग वगैरह हो सब में। अच्छा ये देख सकते हो भाइयों कपड़े, देखो कितने अच्छे तरीके से बना रखे हैं। आ जा बेटा, ये क्या चीज़ है बेटा, ये खोल के दिखाना एक मिनट, ये रसोई है क्या? अच्छा आपने कंप्लीट की है रसोई? देखो भाई रसोई कंप्लीट हो चुकी है, ये देखो भाई शहर जैसी रसोई है बिल्कुल, ये देख सकते हो आप सभी। अच्छा पत्थर वगैरह सब आपने लगाया भाई? पत्थर वाले दूसरे थे। अच्छा देखो यहाँ पे चेयर वगैरह पड़ी हुई है, टेबल वगैरह, अब मैं आपको इधर से दिखाऊँगा। ये देखो भाइयों कितने अच्छे तरीके से बना रखा है, मेंटेन करा रखा है, तो ऊपर का तो ऑलमोस्ट सारा काम हो चुका होगा भैया पूरा। देखो भाई ऊपर इसका डिजाइन देखो कितना बढ़िया तरीके से बना रखा। अच्छा फर्नीचर का काम रह रहा भाई इधर है। ये देखो भाइयों आपको सारे कमरे दिखाऊंगा कवर करके, यहाँ पे भी ऐसे तो स्टोर रूम होगा भाई, है या बेड है, लाइट का सिस्टम कहाँ से। ये देखो भाइयों कितने तरीके से बना रखे है, हर कमरे में AC का जुगाड़ कर रखा है। ये देखो भाइयों ऊपर फर्नीचर का काम रह रहा है, ऑलमोस्ट सारा कंप्लीट हो चुका है। अच्छे तो वो यहाँ वो बनवाया होगा जो LCD वगैरह लगाए गए हैं, देखो भाई यो वो बनवाया जा रहा है। और इधर से मैं अच्छा अच्छा चलो आ जा इधर से, आ जा इधर से भी लोग पड़े। ये देखो भाई मैं बाथरूम वगैरह दिखा दूँ, तो बाथरूम होगा भाई चुटकू, देखो कितना बड़ा तो बाथरूम है, ये देख सकते हो आप सभी। जो लाइट का सिस्टम नहीं पता चलता, देखो भाई अभी लाइट वगैरह सिस्टम नहीं है, और बाथरूम भी काफ़ी बड़ा बाथरूम बना रखा है बिल्कुल। और थोड़ा सा मैं दिखा दूँ आपको इधर से पल्ले से आ रही साइड से लोग। अच्छा अच्छा ये खोल लो बेटा, ये देखो भाई मैं आ चुका हूँ, और यहाँ से देख सकते हैं मैंने यहाँ से एंटर की थी, और इधर साइड से भी जिन्ना है, वो उधर साइड से लोग पड़ा है। अच्छा इधर साइड से भी था भाई जिन्ना, तो ये जिन्ना तो इधर से भी आ जाते। ये देखो भाई ये रहा कमरा, ये क्या ऊपर जाता है, ऐसा लग रहा है कमरा हो। चलो ऊपर से भी दिखाएंगे, पहले इधर से सारे बारीकी से दिखा दे आपको। तो भाई जैसे फर्नीचर काम सारा आपने रखा है इसमें हैं? अच्छा अच्छा एक कमरा ये रहा, ये देख सकते हैं भाई कितने अच्छे तरीके से कमरे बना रखे, हर कमरे में ऐसी है भाई, हर कमरे में लग रही है ऐसी। अच्छा अच्छा और थोड़ा सा मैं इधर से दिखा दूँ आपको बारीकी से, ये देखो भाई कितना आलीशान मकान है, और पूरे गांव में इसकी टक्कर का मकान भाइयों, दूर दूर तक ही नहीं है। और इधर इनके खेत खलियान है, ये देखो भाइयों पर से पर तक इनके खेत है, ये सारा चक इनका ही है पर से पर तक, और सज्जन आदमी है। ये देखो भाइयों अनार सिंह जी का मकान है, वो पूरे क्षेत्र में इनके जैसा मकान दूर दूर तक नहीं है भाइयों, ये देख सकते हो भाइयों इधर से। और ये देखो भाइयों वो सब भी काफ़ी अच्छा है, और देखो इधर से कवर करो भाइयों कितने अच्छे तरीके से मकान बना रखा है, और किसान फैमिली है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ भाइयों इधर साइड, और ऊपर क्या ऊपर कंप्लीट हो गया, बैठक बना रखी थी वो कंप्लीट नहीं हुआ, जो ऊपर बैठने का अभी नहीं कंप्लीट हुआ वो। अच्छा अच्छा देखो भाइयों ऊपर भी एक बैठक है, वो जो गोल गोल देख रहे हैं वो बैठक बनवाई जा रही है, अभी अनकम्प्लीट है। और बस इतना सा रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को शेयर करना, और भाइयों इसका पार्ट 3 भी बना के दूंगा आपको। इधर से एंट्री की,
और इधर से देख सकते हैं, ये देखो भाइयों, यहाँ से पूरा का पूरा मकान कवरेज कर सकते हैं। और किसान भाई ने अपना ये गांव देहात में मकान बना रखा है, और भाइयों आपको कहीं कहीं ऐसे मकान देखने के लिए मिलते होंगे। और देखो भाई, अपने दिमाग से बनवाया मकान है भाइयों, किसी का नक्शा नहीं कुछ नहीं। ये देखो भाइयों, मैं अपने किसान भाइयों को मकान इस वजह से दिखाता हूँ कि आप इस तरह से आप मकान बनावा गाँव देहात में। और चैनल का माध्यम भी यही है, दद्दी है, दद्दी राम राम। तो मां कौन सी गांव की वैसे? मैं तो ढटले की। ढटले की? हाँ। अच्छा, ये देखो भाई माँ जी हैं। और ये माँ जी आपके कान्हा जी हैं? हाँ। अच्छा, ये देखो माई माँ जी के लड्डू गोपाल, ये माँ जी के हैं लड्डू गोपाल कृष्णा जी, कितने अच्छे हैं देखो भाइयों। तो माँ कहाँ से लेते कृष्ण जी? ये तो मथुरा से उन्होंने दिए थे। अच्छा अच्छा, और ये दिए किसी ने? अच्छा अच्छा अच्छा, ये देखो भाइयों, ये क्या चीज़ बना रखी है अम्मा जी? है? ये क्या चीज़ है? अच्छा, वो है पिलंग वगैरह है, ये लेट सोने का है। ये देखो भाइयों, ये पिलंग वगैरह है, ये इस पे कान्हा जी लेटते हैं। ये देखो भाइयों, कितने अच्छे कान्हा जी है, जय श्री कृष्णा। और आपको मैं इधर साइड से दिखा दूँ, और एक बार देखो, अब कम्प्लीट हो चुका है ऑलमोस्ट सारा मकान। तो अम्मा जी फर्नीचर का काम रह गया बस, है फर्नीचर का काम रहेगा, सारा कम्प्लीट हो गया घर। ये देखो भाइयों, यहाँ से मैं दिखा दूँ आपको कवरेज करके। ये देखो, ये आंटी जी की फ़ोटो है, और यहाँ पे भी कुछ फ़ोटो वगैरह रखी हुई है, ये देख सकते हैं भाइयों। और इधर भी आंटी जी की फ़ोटो है, और अब सारा कंप्लीट हो चुका है, और बेहद ही खूब तरीके से मकान बना रखा है, और कमरे काफ़ी अच्छे बना रखे हैं। ये देखो भाइयों, इधर से देखो भाइयों, कितने अच्छे कमरे बना रखे हैं ऑलमोस्ट सारे। और अपने दिमाग से मकान बनवाया है, और किसान आदमी है। ये देखो भाई, ये माँ जी क्या है, थारी सिलाई मशीन है? हाँ। अच्छा मशीन है। अच्छा, थारे ब्याह में मिली होगी माँ, थारे ब्याह में मिली होगी, क्या ली थी कहीं से? ना, जब ही की है। देखो भाई, माँ जी के ब्याह में मिली थी सिलाई मशीन। और देखो माँ, कौन सी कंपनी की हो, क्या उषा की है? उषा ना, और वो कंपनी बहुत बड़ा है। अच्छा, अच्छा, अभी भी चलाए हो? अभी भी काम कराए हो मशीन? देखो माँ के भैया की मशीन है, और ये माँ जी बैठी दद्दी मेरे सामने। ये देखो भाइयों, मकान का व्यू, ये यहाँ से और जी के इधर तक बेहद ही खूबसूरत तरीके से मकान बना रखा है। और किसान भाइयों, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार भाइयों, राम राम जी।